मॉरिशस में अंतरराष्ट्रीय मैराथन में गोल्ड जीत चुके अनिल को सरकार से मदद का इंतजार। एथलीट अनिल राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम कर चुके हैं रोशन। सरकार द्वारा बनाई गई नई मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में गोल्ड जीत चुके यमुनानगर के छछरौली एरिया के नवाजपुर गांव के खिलाड़ी अनिल को आज भी सरकार की ओर से मदद का इंतजार है। एथलीट अनिल का कहना है कि वह राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। एक तरफ सरकार फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है, लेकिन खिलाड़ियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। अनिल ने कहा कि वे स्वास्थ्य मंत्री को भी कई बार पत्र लिख चुके हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा स्पीकर ने अपने स्तर पर इनकी मदद की थी, लेकिन आज भी मुझे इंतजार है कि सरकार मेरी मदद करे और खेल पॉलिसी के अनुसार जो राशि दी जानी चाहिए वह भी मिले और नौकरी भी दी जाए। स्टेट नेशनल और इंटरनेशनल खेलिया स्टेट में मेडल है, नेशनल में भी हाँ मेडल रहा और इंटरनेशनल मेरा गोल्ड मेडल है जो देश का पहला भी जुड़ा जिसमें देश को मैंने मेडल जोड़ा था मैराथन इवेंट के अंदर। ये गेम जो हुए थे एशिया और यूरोप के बीच इंटरनेशनल मीट थी जिसमें देश का मेडल देश को मेडल जीत कर देश का नाम ऊंचा किया अपने शहर का और अपने ये मॉरिशस में हुई थी 16 जुलाई 2017 को। मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंतजार है सरकार की वो क्या हमारे लिए बेहतर सोचती है। स्टेट से जो मौजूदा सरकार उससे यही मांग करेंगे कि जो खिलाड़ी धनराशि से वंचित रह गए और नौकरी से वंचित रह गए तो उनके अनुसार जो उनका अचीवमेंट है अचीवमेंट के अनुसार उनको धनराशि दी जाए और उनको नौकरियां दी जाए ताकि वो देश के लिए। देखिए अगर लड़के खिलाड़ी को प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर धनराशि नहीं मिलेगी, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल, क्योंकि खिलाड़ी खिलाड़ी होता है और खिलाड़ी के बहुत खर्चा डाइट में हो जाता है जिससे अन्य खिलाड़ी भी बिना डाइट के रह गए थे और क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन अच्छी डाइट ना होने के कारण वो आगे नहीं बढ़े।